हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम हैं इस टाइम गांव में और मैं जा रही हूँ आज खेतों में घूमने के लिए, अपने खेतों में घूमने के लिए। देखिए ये है हॉर्स, यहाँ पर हॉर्स बंधे हुए हैं। ये भी है ना, बेबी है। हाँ बेबी लग रहा है। ये देखिए पीछे बैक साइड में हॉर्स मार देगा। अब चलते हैं हम खेत की साइड। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने खेत। तो गाइस यहाँ पर चलने में काफ़ी हो रही है परेशानी और ऊपर से मैंने साड़ी भी पहनी हुई है, तो बस ऊंचा नीचा रास्ता है। या तो साड़ी, या तो अपना पल्लू संभाल लो या फिर चल लो। इतनी हैबिट भी नहीं है साड़ी पहनने की। और इधर देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ सामने से आ रहे हैं पापा खेत पे से। हंस रहे हैं, बहू के वीडियो बनाती हुई आ रही है बहू। तो फ्रेंड्स व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि मैंने फ्रेश सब्जियां भी तोड़ी हैं और घास भी काटी है, जो कि मैंने आज तक नहीं किया ये काम। और सरसों के खेत में भी काफी इंजॉय किया है। तो गाइस यहाँ पर ना थोड़ा घूंघट भी मुझे करना पड़ रहा था, क्योंकि सामने से ना गांव के लोग भी आ रहे थे। तो फ्रेंड्स ये है सरसों का खेत, जिसे देखने के लिए शहर में लोग तरसते हैं। ये देखिए कहाँ देखने को मिलते हैं ये शहरों में। तो चलिए चलते हैं अंदर। उधर मूली है शायद, मूली जिसमें बरसी में मूली। हाँ सब कुछ देखो कितना गंदा हो रहा है ना। तो ये है खेत और यहाँ पर ना सुबह सुबह लोग पानी, खेतों में पानी देने के लिए निकल जाते हैं। और ना यहाँ देखिए, यहाँ ना मुझे ना साड़ी पहन के ना प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। ना छोटी सी जगह पे चलने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये हैं जौ के पौधे और ये बड़े होंगे ना। हाँ बड़े होंगे, उसके बाद इस पर आएगी फली। हाँ तो ये बड़े होंगे और इसमें आएगी फली, क्योंकि मैं भी ना सिस्टर इन लॉ से पूछ पूछ के बता रही हूँ, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि खेतों के बीच में एक छोटा सा मकान बनाया हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है मकान ये। और ये देखिए, ये रखवाली के लिए रख लिया है डॉगी को। इसको ना कोई देखने को नहीं मिलता होगा, या आते कम होंगे ना, या खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। ये बहुत ये ना, वही तो मैं कह रही हूँ, काफी अच्छा डॉगी है ये। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगी ट्यूबवेल जिसमें खेतों में पानी लगाया जाता है। ये देखिए यह है ट्यूबवेल, इसे कहते हैं ट्यूबवेल। और इससे जो है काफ़ी प्रेशर होता है पानी का, पूरे खेत में जो है लग जाता है पानी। तो यहाँ देखिए उस मकान के पीछे जो है सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। कैरेट भी है ये छोटी। हाँ सारी ये सब्जियाँ लगा रखी है, ये केले का पौधा, सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं यहाँ। बहुत ही सुंदर, एकदम शांति है इस यहाँ पर। जो भी रह रहा होगा ना बहुत ही अच्छा लगता होगा इनको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बैगन भी लगे हुए हैं खेत में। और उधर भी ये काफ़ी बड़ा ना नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये देखिए कितने बड़े बड़े, इधर ये बड़ा वाला लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ पास से आलू। वन मंथ के ये देखिए, ये है आलू के पौधे। ये जब क्या होता है, ये बड़े हो जाते हैं क्या? हाँ, फिर जमीन के अंदर से निकलेंगे ना ये। हाँ, जमीन के अंदर आएंगे फल, तो ये तो पत्तियां हैं। हाँ फिर पत्तियां जो है क्या होता है, फिर पत्तियों से उखड़ जाती है ये, फिर सारी काटनी होती है। अच्छा अच्छा, इन्हें होंगे फिर सुखाएंगे, इनको काट देंगे। अच्छा ये ऊपर से जब ये बड़े हो जाएंगे, अंदर आलू है और ऊपर से भी सारे काटने पड़ेंगे ये ना।
जब आलू खो देंगे उससे पहले। हाँ ये पत्ते सारे जब बड़े हो जाएंगे, जब आलू हो जाएंगे तो सारे काट देंगे इनको, अभी जमीन के अंदर से निकलेंगे आलू। तो देखिए पूरी ये है आलू की खेती। देखिए गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ तोरी फ्रेश, बेल पे तोरी लगी हुई है, ये फ्रेश करेला भी है इधर, करेले भी है। हाँ। तो देखिए गाइस ये तोरी लगी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है ये बेल पे तोरी। देखो ऊपर कहाँ, इधर की साइड का, ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही तोरी, ये देखिए। और करेले कहाँ है, और यहाँ देखिए ये है छोटा सा करेला, कितनी फ्रेश है यार ये सब्जी ना, कितनी फ्रेश है। तो देखिए गाइस कितनी सुंदर हरियाली है, मतलब एकदम चारों तरफ हरियाली है गांव में, इसलिए तो इतना अच्छा लगता है कि एकदम थोड़ा चेंज हो जाता है। और ये देखिए जहाँ देखो वहीं पर हरियाली नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये लग रही हैं फलियां फ्रेश एकदम, कितनी फ्रेश है ये। और ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है शहरों में, एकदम फ्रेश वेजिटेबल। मैं तो ऐसी कच्ची सब्जी खा रही हूँ, फली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है, फ्रेश एकदम फली है, एकदम फ्रेश फली खाने में इतना अच्छा लग रहा है ये। किसकी, कितनी फ्रेश वेजिटेबल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये मीठी है एकदम ये। देखिए गाइस हमारी सिस्टर इन लॉ तोड़ रही है तोरी। ऊंची हो रही है वो, टूट गई टूट गई। अरे यार ये तो बेकार है। नहीं बेकार नहीं है, अच्छी है, धुलने के बाद अच्छी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम। हाँ धुल के धोनी पड़ेगी पर पानी। अभी और भी तोड़नी है ला मुझे तो, मैं तो बना रही हूँ। ये पेड़ पे चढ़ते हुए तोरी तोड़ना शुरू, मारो मारो थोड़ा सा ऊपर और मारो थोड़ा सा। ओ अटक गई। हाँ टूट जाएगी, मारो थोड़ा सा। बड़ी मेहनत की है। तो गाइस ये है बड़ी मेहनत की तोरी, और ये देखिए कितनी फ्रेश तोरी है, ये पानी निकल रहा है इसमें से, कितनी फ्रेश है ये। अब हम इसकी बनाएंगे सब्जी घर जाकर। तो देखिए गाइस ये चल गया है ट्यूबवेल, और अभी मैंने चलवाया है ये क्योंकि अभी थोड़ी पहले मैंने आपको दिखाया था तो ये बंद था। ये देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर है पानी का, ये सारा पानी जा रहा है खेतों की तरफ। ये देखिए सारा पानी ये खेतों की तरफ जा रहा है। तो देखिए ये ले लिए हमने बैगन फ्रेश एकदम ताज़ा। ये पालक भी फ्रेश लो रख लो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ले चलती हूँ बेर के पेड़ पे, कच्चे हैं ना। तो ये देखिए ये है बेर, ये देखिए काफ़ी छोटे छोटे हैं अभी ये बेर, कच्चे हैं ये, और लेकिन जब ये पक जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। ताज़ा ताज़ा अच्छा अच्छा है, पानी है नीचे है। तो गाइस अभी मैं गिर गई होती पानी में, या पानी चल रहा है। रुको रुको अरे यार फोन ना गिर जाए। हो गया चलो चलो। इधर साड़ी में भी तो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा।
तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं सरसों के खेत के अंदर। मजा आ गया आज सारी नेचुरल चीज देखकर। देख ले यार, ये क्या मूली है? नहीं मूली नहीं है, ये सरसों, वो छोटी सरसों है। उतार लिया है सिर पे से पल्लू क्योंकि यहाँ पर कोई देख नहीं रहा है। और ये देखिए, ये सरसों के खेत में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खुशबू भी आ रही है, है? सरसों की भी आ रही है फूलों की। लगा लो कान पे, लगाओ कान पे। ए, कान पे लगा लो। कैसे लगाओगे फिर ऐसे? क्लचर है। तो यहाँ ना सरसों के खेत में से ना बिल्कुल भी जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना, पीली पीले फूल और हरी हरी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और घुस तो आए इसमें लेकिन निकलना मुश्किल हो रहा है। और आ रही, मैं आ रही हूँ, चलो। ओ साड़ी भी सारी हो गई सारी गीली सी हो गई साड़ी। तो गाइस अब बहुत मजा आ गया आज सरसों के खेत में। तो गाइस ये है खुरपी, और इससे जो है घास वगैरह खोदी जाती है, और पशुओं के लिए जो है आंटी मिल गई मुझे और उनसे मैंने ले ली आपको दिखाने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ घास खोदने के लिए, काटने के लिए। तो फ्रेंड्स आज हमने ना सारे शौक पूरे कर लिए, घास भी काट ली सरसों के खेत में, घूम भी लिए और काफ़ी मजे करे हमने। और जो है ये जो है सर्दियों के मौसम में ही पॉसिबल था, क्योंकि गर्मी में ना बिल्कुल भी आया नहीं जाता खेतों की तरफ। ये देखिए मेरे से तो इतना सही कटा है ये भी मत बनाओ क्यों, क्या हो गया? हमारी आंटी जी सही आते हैं। आंटी जी मथुरा की ब्रज की भाषा में बोलो ना कुछ। मैं हाँ गांव की भाषा में बोलो। हम आए खेत पर, हम खेत पर आए और न्याल लेने का जी। अच्छा। और गायन के का जी, और जम कसम चावल ले जा रहे काट गया। हाँ देखिए ये इन आंटी की ली थी मैंने ये खुरपी, और ये जा रही हैं किसान है। तो हाँ ये जा रही है खेती बाड़ी वाले किसान है, ये जा रही हैं खेत पे भैंस के लिए वो काटने के लिए। न्यारा है ना, चारा काट के लेकर आ रही है। एक आंटी हमारी ये है जो आंटी है। तो आंटी जी आप भी जा रही हो क्या चारा काटने के लिए? चारा काटने जा रही हूं। अच्छा कितनी दूर है आपका खेत यहाँ से? पास में। अच्छा पास में ही है, तो गांव की भाषा में थोड़ा बोलो ना। कहाँ बोलूँ मैं, रंग नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है आंटी, बाय बाय। बढ़िया है सब आए। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।